वायनाड में केदारनाथ जैसी त्रासदी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जो रात में सोया वो सुबह मलबे में मिला। 4 घंटे में तबाह हो गए 22,000 की आबादी वाले 4 गांव। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है। करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए, घर दफन हो गए और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। अब तक लगभग 156 लोगों की मौत होने की जानकारी है और 100 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आए केदारनाथ त्रासदी की यादें ताज़ा कर दी हैं। जो रात में सोया था उसे उठने तक का मौका नहीं मिला और सुबह मलबे में मिला। चारों तरफ बर्बादी ने इन गाँव की खूबसूरती को उजाड़ दिया है। वायनाड में जो 4 गाँव जमींदोज हुए हैं उनमें मुडक्काई, चुरलमाला, अट्टमाला और नूलपूछा का नाम शामिल है। मुडक्काई और चूरमाला के बीच पुल टूटने की वजह से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मौसम विभाग ने वायनाड समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके बाद केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केरल में कुदरत की विनाश लीला देखकर हर कोई सहम जाएगा। वायनाड में इसे सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ों से आया सैलाब 4 गांवों को बहा ले गया। अब मलबे को निकाला जा रहा है और उसमें कीचड़ से लतपत या पत्थर के नीचे दबे लाशें मिल रही हैं। कुछ लाशें नदी में भी बहती दिखी हैं। इन सब के बीच रेस्क्यू टीमें जान पर खेलकर बचाव कार्य कर रही हैं। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। ऐसे में सवाल है कि केदारनाथ जैसी आपदा केरल में क्यों आई? 16 से 17 जून 2013 यानी 11 साल पहले वो खौफनाक रात याद कर आज भी लोग सहम उठते हैं, जब उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में उस रात भयानक बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुई। अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी नदियों ने रौंद रूप धारण किया और बर्बादी की निशान पीछे छोड़ दिए गए। गोविंद घाट, भिंडर, केदारनाथ, रामवाड़ा और उत्तरकाशी धराली जैसे इलाके नक्शे से ही कहीं गायब हो गए। इन इलाकों में 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। हजारों लोगों की तो अगर बात की जाए तो वो मिले ही नहीं। वायुसेना की मदद से लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बचाया गया था। केदारनाथ में उस खौफनाक रात पहाड़ों से बहकर ऐसी तबाही आई थी। दरअसल चोराबारी ग्लेशियर पर बनी प्राकृतिक झील की बर्फीली दीवार टूटने से फ्लैश फ्लड आई और केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक करीब 250 किलोमीटर दूर तबाही और बर्बादी देखने को मिली। प्राकृतिक झीलों का कहर कहें या पानी का कहर कहें, तबाही की वजह यही है कि केरल में भी वायनाड को जिस तरीके से पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, यह समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ हरी भरी वनस्पतियाँ, धुंध से ढकी पहाड़ियाँ और शुद्ध हवा इलाके को स्वर्ग बना देती हैं। लेकिन आज हालात अलग हैं। चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है, जगह जगह पर सड़कें धसी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए जो वायनाड में हुई तबाही के मंजर को बताने के लिए काफ़ी हैं। दरअसल सोमवार मंगलवार की रात वायनाड में ज़बरदस्त बारिश आफत बनकर सामने आई। रात 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुई। इससे पहाड़ के नीचे, आपको बता दें, चेलियार नदी के गैचमेंट में बसे 4 खूबसूरत गांव चुरलमाला, अट्टमाला, यहां तक कि नूलपुंछा और मुडक्कई में तबाही आ गई। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव के गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे में ढेर हो गए। चारों गांव में ज़्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते हैं। करीब 22,000 की आबादी है। मलबे से ना सिर्फ घर और निर्माण तबाह हुए हैं बल्कि नींद में सो रहे लोग भी दब के रह गए। इसमें क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिला। करीब 100 मीटर चौड़ी चुन्नर माला नदी उफान पर है।
एनडीआरएफ की एक छोटी टीम किसी तरह नदी पार कर दूसरी ओर पहुंचने में कामयाब रही है। इसी टीम की मदद से अब तक करीब 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अफसरों का कहना है कि मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, लिहाजा पानी और मलबे के बीच फंसे लोगों तक जमीन के रास्ते ही पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, लेकिन बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।